जय श्री राधा कृष्ण। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आने वाली है। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वट सावित्री व्रत किया जाता है, जिसे पूर्णिमा वट सावित्री कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने अष्ट स्वरूपों के साथ विद्यमान रहती है। जो कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब आज इस वीडियो में आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 के विषय में बताती हूँ, किस दिन व्रत करें, 21 जून को या 22 जून को, पूजा का शुभ मुहूर्त समय और शुभ योग क्या बन रहे हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के लिए कुछ फलकारी उपाय भी बताऊंगी, साथ ही ध्यान रखने योग्य बातों को भी जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। आपका एक लाइक एक शेयर हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल जानने के लिए व्रत लिख कर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा की ही चर्चा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही आय, सुख, सौभाग्य, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होती है। इस अवसर पर चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है, साथ ही संध्या काल में चावल की खीर भगवान शिव को भोग में अर्पित की जाती है। अब अगर इस साल 2024 में ज्येष्ठ पूर्णिमा की चर्चा करूं, तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 21 जून दिन शुक्रवार को सुबह 7:33 AM से होगा और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का समापन 22 जून दिन शनिवार को सुबह 6:37 AM पे होगा। इस तरह से उदया तिथि में पूर्णिमा 22 जून को मनाई जाएगी। पर पूर्णिमा व्रत, जिसमें चंद्रमा को अर्ध देते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करते हैं, वो 21 जून दिन शनिवार को किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही संत कबीरदास की लगभग 647वीं जन्म वर्षगांठ तिथि भी मनाई जाएगी। ये कबीरदास जयंती कहलाती है, जो इस साल 22 जून को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ महीने का समापन 21 जून 2024 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होगा। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन वट अमावस्या की तरह ही पूजन का विधान होता है। यमराज सावित्री की कथा सुनेंगे। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक साथ कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। जानते हैं कौन कौन से योग हैं। सबसे पहला हमारा बन रहा है शुक्ल योग। ज्योतिष आचार्यों की माने तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दुर्लभ शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग शाम को 4:45 तक है। ज्योतिष शुक्ल योग को शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। अगला बन रहा है शिववास योग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 6:38 से है। शिववास योग 23 जून को सुबह 5:12 तक है। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान शिव की पूजा और उपासना कर सकते हैं। शिव योग में महादेव का अभिषेक करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगला है ब्रह्म योग। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर संध्या काल में ब्रह्म योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम को 4:46 से हो रहा है। ब्रह्म योग रात्रि भर रहेगा। ज्योतिष में ब्रह्म योग को बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सर्वसिद्ध योग है, जो सुबह 7:11 से सुबह 9:06 तक है। अब हम कुछ ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपायों पर चर्चा करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर स्नान ध्यान और पूजा पाठ समेत दान पुण्य करने का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान जरूर करें।
सुविधा ना हो तो घर पर ही गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मानसिक और शारीरिक दोषों से भी मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप सफ़ेद चावल, चीनी, मिश्री, दूध, दही आदि चीज़ों का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गुड़ से बने चावलों की खीर अर्पित करें, साथ ही शाम को चंद्रदेव को चावल की खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा पदस्थी है। अच्छा, इसके अलावा कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शाम के समय जल में सफ़ेद फूल या चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें। इस उपाय को करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से साधक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। अच्छा, इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ को मिठाई और जल चढ़ाना, इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अच्छा, एक और चीज़, धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर तिल का दान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल मिलता है। आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने वाला एक महा उपाय बताती हूँ जो हर किसी को जरूर ही करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं तो साल भर आपके घर में धन वर्षा होती रहती है। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। उनके चरणों में पीली कौड़ी अर्पण करें। पूजा समाप्त होने के बाद जो अर्पण की हुई कौड़ी है वो लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इसके साथ ही चंद्रमा को गंगा जल में दूध मिलाकर अर्पण करें और अगले दिन किसी गरीब और असहाय लोगों को सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल या सफ़ेद मिठाई, चांदी या दूध दही का दान अवश्य करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, हमेशा धन की प्राप्ति होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एक कलश में जल भरकर शहद का दान उसके साथ ज़रूर करना। इस दिन ये कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं और आपस में प्रेम भाव बना रहता है। जो बैर होता है ना, लड़ाई झगड़ा, वो खत्म होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हमें क्या काम नहीं करना। ठीक है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय कभी भी घर में पूरा अंधेरा नहीं करें। पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय माँ लक्ष्मी हर घर में ज़रूर जाती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में अंधेरे में जो घर होते हैं ना, उस जगह पर माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, वहाँ कभी प्रवेश नहीं करती। अच्छा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा, धूम्रपान आदि, मतलब जो नशे वगैरह वाली चीज़ें हैं, उनसे बचना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले कपड़े मत पहनना। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र पहनने से व्यक्ति के आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के जीवन, उसकी नौकरी, उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काली वस्तुएं जैसे काली दाल, काले तिल आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काली वस्तुओं के दान से कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है और राहु का बुरा असर पड़ता है। बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं जो जीवन में बहुत बड़ा असर करेगी, करके देखिएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।